एओपिया प्रोग्रेशन को रोकने के लिए सेंटर फॉर साइट ने स्पेसिफिक एक फैसिलिटी बनाई है जिसको हम हॉल्ट कहते हैं, यानी कि मायोपिया की प्रोग्रेशन को रोकना। एक है जिसको हम कहते हैं एट्रोपीन आई ड्रॉप्स। एट्रोपीन नॉर्मली पुतली फैलाने के लिए और ये जो मसल्स मैंने बोला था आंख के जो मांसपेशी हैं उसको रिलैक्स करने के लिए दी जाती है। दूसरा जो हमने लॉन्च किया है वो है अवेलेबिलिटी, जो चश्मे में लेंसेज लगते हैं वो नई प्रकार के लेंसेज मायोपिया प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, जैसे कि स्टेलेस लेंस है जो कि पेरीफ्री ऑफ द रेटिना को भी पोटेंशिएट करके उसको भी स्टिमुलेट देता है, जिससे कि बच्चे का मायोपिया का प्रोग्रेशन 67% ऑफ द केसेज में रोका गया है। तो जरा सोचिए, गलाकाट कंपटीशन के दौर में अगर आपका बच्चा मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? मोबाइल, टैब और लैपटॉप को बच्चों के ग्रोथ के लिए जरूरी मानने वाले माता पिता अक्सर बच्चों को ये गैर जरूरी चीजें थमा देते हैं, लेकिन बच्चों की निगरानी करना भूल जाते हैं। और बात जब हाथ से निकलने लगती है तो पेरेंट्स को इस लत से बच्चों को निजात दिलाने में बहुत परेशानी होती है। मेरे दो बच्चे हैं और एक हार्दिक 11 ईयर एंड विराट इज 6 ईयर, और कोरोना काल के बाद इनका टाइमिंग, मोबाइल टाइमिंग काफ़ी बढ़ गया है ड्यू टू स्टडी, बट इसको हमें कम करने के लिए इनको इनके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जैसे इनको मॉर्निंग में वॉक पे लेके जाओ, देन उसके बाद इनको अपना पढ़ाई के लिए, देन उसके लिए उसके बाद इनको खाने के लिए, फिर इनको सुलाओ, फिर दोबारा से पढ़ाई कराने बिठाओ। असल दिक्कत छुट्टियों के वक्त होती है जब पढ़ाई नहीं होती और बच्चे मोबाइल या लैपटॉप को लेकर जिद पर अड़ जाते हैं। कई बार तो बच्चे वीडियो गेम ना खेलने देने पर खाना खाने और घर से भाग जाने तक की धमकी भी देते हैं। हालात ये हैं कि बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है और वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। देश में पहले जहां नॉर्मल आई केयर हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब वहीं खासतौर पर 4 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए आंखों के अस्पताल खुलने लगे।